जी न्यूज पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों सावधान हो जाइए, यदि आपका बच्चा या बच्ची बाहर पढ़ रहा है तो साइबर क्राइम इतना बढ़ गया दर्शकों, आपके लिए साइबर क्राइम वाले फ़ोन करेंगे, आपका बच्चे ने क्राइम किया है और वो हमारे कब्जे में है और उसको अरेस्ट कर रखा है, तो उसको वो आपके पास में पैसे की लेन देन का बात करेगा। इसी तरह का अभी एक कॉल आया है दर्शकों, वो हम आपको कॉल भी सुनवाएंगे। और जितेंद्र जी गंगापुर सिटी के व्यापारी हैं, उनकी बच्ची के लिए फ़ोन आया था कि बच्ची को गिरफ्तार कर लिया गया आपकी का। और दर्शकों तो इस तरह का साइबर क्राइम चल रहा है, पूरे राजस्थान भर में साइबर क्राइम चल रहा है, सावधान हो जाइए दर्शकों, सावधान हो जाइए। और जितेंद्र जी ने धैर्य बनाए रखा और जागरूकता का परिचय भी दिया। जितेंद्र जी क्या मामला था? सर मेरे पास अभी 6 मार्च को सुबह 10 बजे फ़ोन आया था कि आप जितेंद्र जी बोल रहे हैं? मैं कि हाँ सर मैं जितेंद्र जी बोल रहा हूँ। बोले आपकी बेटी शालू है? मैं हाँ मेरी बेटी शालू है। तो बोले उसको हमने अरेस्ट कर लिया है, उसने किसी मंत्री के यहाँ लाखों रुपए गमन किया है और आप उसको छुड़ाना चाहते हो नहीं चाहते हो? मेरी साहब मेरी बच्ची को तो कोई दिक्कत दिया, मेरी बात कराइए यदि उसने गमन किया है तो उसने फिर क्या एक बच्ची को रोते चिल्लाते मुझे मेरी आवाज़ मुझे सुनवाई। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मेरी बच्ची से बात कराइए। बोले आपको बच्ची चाहिए, बच्ची से बात करनी है? मैंने कहा मुझे बच्ची से बात कराइए, आप यदि क्राइम किया तो दिक्कत खा रही है, क्राइम हो जाता है कोई बड़ी बात नहीं है, बच्ची ने किया तो उसका भी समाधान होगा, आप तो पहले बच्ची से बात कराइए। मैंने अपना धैर्य रखा, उनने कहा कि नहीं आप तो पहले लेन देन की बात कीजिए। फिर मैंने जैसे ही मुझे लगा कि ये फर्जी मामला हो सकता है तो मैंने फ़ोन काट के तुरंत अपने बच्चों से बात की। जैसे बच्चों ने कहा पापा हम तो कमरे पर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मैंने बच्चों से कहा बेटा आपके पास कोई इस तरह कॉल आया तो आप उठाना मत। तो मेरा तो कहना सभी से ये है कि भैया आप सावधान रहे, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो पता नहीं कहाँ से वो नंबर अरेंज करके आपके अपने बच्चों के बारे में ये कहते हैं भाई इस उल्टा सीधा ये कर रहे हैं और उनको गिरफ्तार करने की बात करके पैसे मांगते हैं। तो मेरा तो सबसे निवेदन है कि इस तरह का कॉल यदि आए तो सावधान रहिए, दर्शकों सावधान हो जाइए। यदि आपका बच्चा या बच्ची बाहर पढ़ रहे हैं तो वो आपकी साइबर क्राइम करने वाले सारी जानकारी आपकी रखते हैं, आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, कहाँ नहीं पढ़ रहा है, और वो आपके लिए कहेंगे कि आपके बच्चे ने क्राइम किया है और हमारे कब्जे में है दर्शकों, और वो आपसे पैसे का लेन देन की बात करेंगे। इसी तरह के मामले काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं और हमारा आपसे निवेदन है इस तरह के किसी में नहीं फंसे, पहले अपने बच्चों से बात करें और किसी तरह का आप लेन देन नहीं करें। इस तरह का साइबर क्राइम बहुत बढ़ता जा रहा है और वो पैसे की लेन देन की बात करेंगे। दर्शकों जो फ़ोन आया था वो भी हम आपको बात सुनवाएंगे, आपका वो बात जिसने उसने फ़ोन किया था वो भी हम सुनवाएंगे। दर्शकों सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए, साइबर क्राइम करने वालों ने धूम मचा रखी है दर्शकों और काफ़ी लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है। दर्शकों जो उसने कॉल किया था वो भी हम आपको सुनाएंगे, सावधान हो जाइए दर्शकों। इस नंबर से फोन आया था दर्शकों, देख रहे हैं इसी नंबर से फोन आया था। बोलो भैया। हेलो सर, बात कर रहा हूँ, विक्रम सिंह बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ विक्रम सिंह, हाँ सर जितेंद्रा मैं बात कर रहा हूँ। हेलो जितेंद्र बात कर रहे हैं? हाँ सर। हेलो हाँ जी, गगनपुर सिटी से बात कर रहा हूँ, गगनपुर सिटी से बात कर रहा हूँ। बोलिए सर, बात कर रहे हैं आप? हाँ जितेंद्र बोल रहा हूँ सर, जितेंद्र बात कर रहे हैं। हेलो, तो ये शालू आपकी बेटी है बेटा है? बेटी है बोलो। हेलो बेटी है बोलो। हेलो हाँ बेटी है। हेलो मेरी बेटी है बोलो। बेटी है आपको पता बेटी कहाँ पे है? तो आपको बेटी कहाँ पे है? कहाँ पे आपको पता है बेटी कहाँ पे है? जयपुर। कहाँ पे बेटी? जयपुर है सर। वो हमारी राजधानी है, हमने उसको किसकी कर लिया है? हैं? हेलो गिरफ्तार कर लिया, कनेक्शन की बात कर रहा हूँ, गिरफ्तार कर लिया। हेलो हाँ सर, उसको गिरफ्तार कर लिया? हाँ हमारी कस्टडी में है। क्यों सर? देख रहे हैं दर्शकों इस तरह से ये इस नंबर से कॉल आया था इनके पास में और इनकी बच्ची साइकिल चला है आपकी,
कमरे पे ही है आपके बच्चे से कुशल कितने दर्शकों सावधान हो जाइए, आपका बच्चा बच्ची बाहर पड़ रहा था। इस तरह से साइबर क्राइम करने वाले पैसे की धाप बनाते हैं और फिर बाद में आपके लेन देन की बातें करेंगे और ऐसे किसी दासे में नहीं आया। दर्शकों आपसे हमारा निवेदन है, जो आपका बच्चा बच्ची बाहर पड़ रहे हैं तो उनकी साइबर क्राइम करने वालों के पास में सारी जानकारी रहती है उनके पास में। इसी तरह से इनके पास भी जितेंद्र जी के पास भी फोन आया था, बच्ची का बच्ची ठीक है आपकी बच्ची बिल्कुल सही है और आपने सही जवाब दिया उनको। मैंने पूरा अपना धैर्य रखा, अपना कॉन्फिडेंस पूरा रखा, यदि शायद मेरी जगह होता तो हार्ट अटैक जैसी क्वेश्चन आया थी। और दर्शकों घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास में किसी तरह का फोन आता है अगर आपका बच्चा बच्ची को हमने गिरफ्तार कर लिया है तो पहले आप कन्फर्म कीजिए, अपने बच्चे बच्चे से कन्फर्म कीजिए और धैर्य ना खोइए और साइबर क्राइम करने वालों से सावधान रहिए। जय हिंद दर्शकों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और कोई किसी तरह के मामले में कोई किसी ना फंसे और पैसे का लेन देन ना करे। साइबर क्राइम करने वालों का क्राइम बहुत बढ़ता जा रहा है और इसी तरह से आपके पास भी फ़ोन आ सकता है, आपके बच्चे बच्ची को हमने गिरफ्तार कर लिया है लेकिन वो फर्जी है दर्शकों। और हमारा निवेदन है अब अपने बच्चों से और पुलिस कंट्रोल से मालूम करें और अगर ये आपके पास में फ़ोन आता है तो पुलिस को भी शिकायत करें इसकी। जय हिंद जय भारत। पैसे डलावा के चक्कर में हो फोन आ गया।